A very good morning to all, beta. This is our maths lecture. Yes, beta, and date May 20, 2020. Day Wednesday. Yes, beta, Wednesday. Yes, beta, today we are going to start chapter 1, shapes and space. Yes, beta, shape. Shape means किसी भी चीज का आकार. Shape means आकार. Yes. Everything we see in the world around us has a shape. बेटा हम अपने चारों तरफ जिस भी चीज को देखते हैं, it has shape. उसकी shape होती है. Yes. Now example, wall clock, balloon, matchbox, bangle, sandwich, pencil box, eraser, candy. These all things have shape. इन सब चीजों की शेप होती है. यस बेटा, नाउ लुक एट द बोर्ड. दीज आर शेप्स, दीज आर फ्लैट शेप्स. यस बेटा, वी कैन से इट प्लेन शेप ऑल्सो. हम इनको प्लेन शेप्स भी कह सकते हैं. यस, नाउ नंबर वन, रेक्ट एंगल. रेक्ट एंगल, दिस इज रेक्ट एंगल शेप बेटा. इट हैज फोर साइड्स. इट हैज फोर साइड. वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड. इट हैज फोर कॉर्नर्स. यस बेटा, जो हमारे वन साइड से टू साइड को मैच कर रहे हैं, उनके बीच का जो स्पेस है, दैट आर कॉर्नर्स बेटा. इट हैज फोर कॉर्नर्स. ओके, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल शेप बेटा. रेक्टेंगल शेप में जो अपोजिट साइड्स होती हैं, दिस वन आर इक्वल, दिस वन एंड दिस वन आर इक्वल बेटा. यस बेटा, इट हैज फोर साइड्स, फोर कॉर्नर्स एंड द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. वेरी गुड. नाउ एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल शेप लाइक पिल्लो, पेंसिल बॉक्स, इरेजर, लंच बॉक्स. वेरी गुड. नाउ नंबर टू, स्क्वेयर शेप. यस बेटा, दिस इज अ स्क्वेयर शेप. इट हैज फोर साइड्स, फोर कॉर्नर्स. इसके भी फोर साइड्स होती हैं और फोर कॉर्नर्स होते हैं, बट ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वेयर शेप. यस बेटा, स्क्वेयर शेप में ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं. यस बेटा, रेक्टेंगल और स्क्वेयर में यही डिफरेंट होता है कि इन स्क्वेयर शेप ऑल साइड्स आर इक्वल, इन रेक्टेंगल शेप द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके बेटा, ये ध्यान रखना है. इसी चीज से हमें पता चलता है कि रेक्टेंगल क्या है और स्क्वेयर क्या होता है. यस, नाउ एग्जांपल ऑफ स्क्वेयर शेप. यस बेटा, लूडो खेलते हैं आप? लूडो, यस, लूडो जिससे हम खेलते हैं, जो डिवाइस होता है लूडो के लिए, दैट इज डाइस. यस यस, डाइस जो होता है वो हमारा स्क्वेयर शेप में होता है. यस, ब्रेड स्लाइस. यस, ब्रेड खाते हैं आप? यस बेटा, जो ब्रेड स्लाइस होती है, दैट इज ऑल्सो इन स्क्वेयर शेप. यस, नाउ ट्राइंगल शेप बेटा. ट्राई मीन्स थ्री. इट, दिस इज ट्राइंगल शेप. इट हैज थ्री साइड्स, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड्स. और जो साइड के साइड, एक साइड से दूसरी साइड को मैच कर रही है, इट इज कॉर्नर. इट मीन्स इट हैज थ्री कॉर्नर्स, वन कॉर्नर, टू कॉर्नर, थ्री कॉर्नर. इट हैज थ्री कॉर्नर्स. नाउ एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंगल. यस, समोसा. वेरी गुड. खाते हैं समोसा? पानी आ गया मुंह में, है ना? यस, इट इज ट्राइंगल इन शेप. यस, और पिज्जा स्लाइस. यस, इट इज ऑल्सो इन ट्राइंगल शेप. यस, और आप सैंडविच खाते हैं? सैंडविच, बहुत सारा पानी आ गया होगा, सारी खाने की चीजें मिल गई. यस, सैंडविच इज ऑल्सो इन ट्राइंगल शेप. वेरी गुड बेटा. यस, नाउ सर्कल. सर्कल, दिस इज सर्कल शेप. इट हैज नो सर्क, नो साइड एंड नो कॉर्नर्स. सर्कल का ना तो कोई साइड होती है और ना ही कोई कॉर्नर होता है, इसलिए इसे हम सर्कल शेप बोलते हैं. यस, नाउ एग्जांपल ऑफ सर्कल शेप. ममाज बैंगल. वेरी गुड. ममाज बिंदिया, ममाज चपाती. बेटा आपने एक पॉइम सुनी होगी, सुनिए पॉइम. मामा की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल. यस,
तो मामा की रोटी कैसी होती है, चपाती कैसी होती है मामा की, गोल, इसलिए हम उसको सर्कल शेप, वही गोल होता है, गोल का मतलब सर्कल। यस बेटा, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कल शेप। यस, नाउ यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दीज शेप्स इन पीएनबी। बेटा आपको इन सभी शेप्स की प्रैक्टिस करनी है अपनी पीएनबी नोटबुक में। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।